गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज हम लोग सेंटर जाने के लिए निकल चुके हैं। रविवार है, आज अव्यक्त मुरली है। हम लोग चारों ही सेंटर जा रहे हैं, जगजीवन नगर डॉक्टर्स कॉलोनी। सामने देखिए विश्वकर्मा पूजा हुआ है, थोड़ा सा विश्वकर्मा पूजा। आज 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा है। यहाँ भी हो रहा है विश्वकर्मा पूजा। ये है नया पार्क बन रहा है, यहाँ पर ओपनिंग होना बाकी है बस। मुरली ख़त्म हो गई है और सब निकल गए हैं। सभी अब घर जा रहे हैं क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है, तो सब अपने अपने गाड़ी की पूजा करेंगे। मुरली ख़त्म, सब घर चल रहे हैं। तब तक मैं टहल रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। कहाँ जा रही हो? तो गाड़ी क्या हुआ? क्लास से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। सेजल टीजर, आज का कोर्ट है 17 सितंबर। यदि मैं किसी व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग के कारण दूर रहता हूँ, तो यह किसी से उसके वस्त्रों के आधार पर घृणा करने जैसा ही है। आज के मुख्य पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। विश्वकर्मा पूजा की विशेषता, आध्यात्मिक रहस्य, पौराणिक कथा। आदिकाल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानवों अपितु देव गुणों द्वारा पूजित और वंदित हैं। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा ही किया गया है। पुष्पक विमान का निर्माण व सभी देवों के भवन और दैनिक उपयोगी होने वाली वस्तुएं भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। कान के कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का कालदंड इत्यादि वस्तुओं का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया। भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करके
उन्हें प्राणी मात्र का सृजन करने का वरदान दिया और उनके द्वारा 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया। श्री विष्णु भगवान की उत्पत्ति कर उन्हें जगत में उत्पन्न सभी प्राणियों की रक्षा और भरण पोषण का कार्य सौंप दिया। प्रजा का ठीक सुचारू रूप से पालन एवं हुकूमत करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली तीव्रगामी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। बाद में संसार के प्रलय के लिए एक अत्यंत दयालु भोले बाबा भोलेनाथ श्री शंकर भगवान की उत्पत्ति की। उन्हें डमरू कमंडल त्रिशूल आदि प्रदान कर उनके ललाट पर प्रलयकारी तीसरा नेत्र भी प्रदान दिया। उन्हें प्रलय की शक्ति देकर शक्तिशाली बनाया। यथा अनुसार इनके साथ इनकी देवियां खजाने की अधिपति माँ लक्ष्मी राग रागिनी वाली वीणा वादिनी माँ सरस्वती और माँ गौरी को देकर देवों को सुशोभित किया। तो आइए जानते हैं इसका आध्यात्मिक रहस्य कि सारे विश्व की उत्पत्ति करने वाले व सभी मानव मात्र की उत्पत्ति करने वाले व जितने भी जीव हैं सभी की रचना स्वयं हमारे निराकार शिव बाबा ने की है और वे सारे संसार के कर्ता धर्ता हैं और उन्हें ही भक्ति मार्ग में विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। और शिव बाबा एक साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं और उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं और ब्रह्मा के द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं और फिर ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं और ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और संगम पर सारे शास्त्र मिलते हैं। लेकिन वो ज्ञान के आधार पर जैसे ज्ञान का शंख ज्ञान का तीसरा नेत्र सुदर्शन चक्र मतलब स्वयं का दर्शन और चारों युगों का दर्शन और शिव बाबा के पास जो भी था सब ब्रह्मा बाबा को दिया। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को मिला। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और ब्रह्मा के साथ मम्मा को दिखाया है जो जगदम्बा सरस्वती है। उन्हें भक्ति मार्ग में अनेक नामों से पुकारते हैं और जो 33 कोटि देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है वो सब हम बच्चे ही हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा बनते हैं। सारे विश्व के सृजन करने वाले व भरण पोषण करने वाले एक शिव बाबा ही हैं जो ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाकर उनके द्वारा सारा कार्य करवाते हैं। शिव बाबा ही विश्वकर्मा है यानी सारे संसार को चलाने वाले एक शिव बाबा ही हैं जिन्हें विश्वकर्मा नाम से पुकारते हैं और पूजा भी करते हैं। ओम शांति। आज संडे है। आज बिरसा मुंडा पार्क में सेवा है। बहुत ही प्रकृति के बीच बना ये सेंटर, बहुत शांति एकांत। बच्ची भी आई है, इसका भी कल एग्जाम है इसीलिए अपना बुक लेकर पढ़ रही है। प्रदर्शनी लगे हुए हैं यहाँ पे, पहले भी दिखाया था आपको। ये नशा मुक्ति का प्रदर्शनी है। नशा मुक्ति प्रोग्राम भारत सरकार के साथ जो टाई अप है। ये मेडिटेशन रूम है। बिरसा मुंडा पार्क, हीरक रोड, नावाड़ी। इधर से आप मेमको मोड़ की तरफ से या फिर बेकार बांध से इधर विनोद बिहारी चौक होते हुए आ सकते हैं।
बहुत ही एकांत का महसूस था। बिरसा मुंडा पार्क अगर घूमने आए आप, या फिर अगर आप आसपास रहते हैं, तो आप सादर निमंत्रण है, आप इस मेडिटेशन सेंटर पर आ सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं, राज योगा मेडिटेशन। बाप रे, पूरा चींटी निकल गया। शक्ति मार्केट बाबा का घर है, जहाँ पे माता जी फूलों से बाबा का श्रृंगार करती है, बहुत ही प्यारे ढंग से। अब समय हो गया है इन लोगों को रिवाइज़ कराने का, दोनों का एग्ज़ाम है कल से, और इन सेजल का एग्ज़ाम है इंग्लिश और जीके, और वो टीजल है उसका मैथ का है। सुबह से पढ़ पढ़ के थक गई है, अब रिवाइज़ का चल रहा है और इधर वीडियो एडिटिंग भी चल रहा है। अब समय हो गया है बाबा को याद करने का, सोने से पहले बाबा को याद, आधा घंटा पोता मिल देना, अव्यक्त मुरली मुरली पढ़कर सोना। तो आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही, फिर नए व्लॉग के साथ कल आऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।